पहुंचे हुए हैं गांव खरका में, जहां की लड़कियों ने गांव का नाम रोशन किया है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और एकेडमी का और स्कूल का नाम रोशन किया है। इन्होंने मैराथन दौड़ में 20 में जो है फर्स्ट आए हैं और नेहरू स्टेडियम में जाकर इन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया। आप कब गए मैराथन दौड़? हम यहाँ से 20 तारीख को गए। 23 तारीख। और कैसा महसूस हुआ आपको वहाँ पर? ने आपको कांग्रेचुलेशन दी? हाँ जी, बहुत अच्छा बोले। वो बोले भी लड़के किसी से कम नहीं थे, लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। आपका नाम जी? हर्षदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12। आपको कैसा महसूस हुआ जब मैराथन में आपने दौड़ लगाई? काफ़ी अच्छा फील हुआ। आप सारा क्रेडिट किनको देना चाहते हैं? डीपी सर। क्या नाम है उनका? सुखबीर सर। किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग कराई और कितने महीने उनको ट्रेनिंग कराई? 4-5 महीने ट्रेनिंग करते हो गए हमें और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई दिक्कत आई किसी तरह की? नहीं। नमस्कार जी, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी और वहाँ से विजेता होके आए? मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मेरे बच्चे इतनी दूर जाके एक इंटरनेशनल मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने उधर बेस्ट 20 में एंट्री की, तो मैं बड़ा खुश हुआ। ताकि जो बॉयज़ थे वो बेस्ट 10 में आए हमारे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बच्चे अटेंड किए हुए अभी पहले स्टेप पे हैं, तो आगे जाके बड़े वो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त करेंगे। जैसा कि सुखबीर जी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और आपकी एकेडमी में जो है प्रैक्टिस करते थे, आपने करवाई प्रैक्टिस, इस विषय में आपके एकेडमी ने आप कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं कि इनको बच्चों को क्यों करवा रहे हो? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला भी जो भी बच्चा आता प्रैक्टिस के लिए तो उनको प्रैक्टिस करने दो ताकि उनका भविष्य संवरे आगे आके, तो जो युवा पीढ़ी है वो नशे से बचे और अपने जो बॉडी फिट रखे और आगे जाके बड़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज का युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा है, तो वो नशे से बचे और अपनी जो बॉडी फिटनेस है उसको इम्प्रूव करे, फिट रखे, ताकि अपने जो आने वाला समय है वो बेस्ट निकले। आप देख सकते हैं कैसे सुखबीर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से युवाओं को एक संदेश दिया है कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें गेम करनी चाहिए और गेम से हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। आपको कैसा महसूस हुआ जब आप वहाँ से जीत कर आए? बहुत बढ़िया महसूस हुआ है। पूरा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं आप? मैं अपना डीपी साहब उनको देना। क्या नाम उनका? सुखबीर सिंह। और थैंक्स टू किसको ज़्यादा बोलना चाहते हैं जिस एकेडमी में आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं? ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।